Hello everyone and welcome to the online classes. I am Shashi Sahu, assistant professor from biotech department. और जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अभी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के मेथड्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के मेथड में पहला जो मेथड है मैकेनिकल मेथड, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज जो है मैं आप लोगों को एंजाइमेटिक मेथड के बारे में बताऊंगी। एंजाइमेटिक मेथड, प्रोटोप्लास्ट को अलग करने का एंजाइमेटिक मेथड। ये जो एंजाइमेटिक मेथड है उसके बारे में देखते हैं। द एंजाइमेटिक मेथड इज अ वेरी वाइडली यूज्ड टेक्निक। ये जो मेथड है, अब जो दो मेथड देखे थे हम लोग, दो मेथड के बारे में देख रहे थे। पहला जो मेथड है, पहले ही मैंने बता दिया था पढ़ने के वक्त कि जो आपका मैकेनिकल मेथड है वो बहुत टीडियस मेथड है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस वाला है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है, बहुत ज्यादा उबाऊ भी है, ज्यादा मेहनत भी लगती है और प्रोडक्ट भी उसमें बहुत कम मिलता है हम लोगों को। मतलब जो रिजल्ट है हमारा वो इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना हम लोगों को आइसोलेशन चाहिए रहता है, जितनी प्रोटोप्लास्ट चाहिए रहती है मात्रा जो है कम हो जाती है प्रोटोप्लास्ट की। तो इसीलिए एंजाइमेटिक मेथड जो है उसे प्रिफर किया जाता है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है आइसोलेशन के लिए प्रोटोप्लास्ट के। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके दूसरे चीजों के बारे में, तो फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इट इज अ वेरी वाइडली यूज्ड टेक्निक। द एडवांटेजेस ऑफ एंजाइमेटिक मेथड इंक्लूड गुड यील्ड ऑफ वाइबल सेल्स। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है परिणाम स्वरूप, जो प्रोटोप्लास्ट की संख्या रहती है वो अच्छी खासी संख्या रहती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये कि ये जीवित अवस्था में रहते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोगों के जो प्रोटोप्लास्ट है वो मर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों का मैकेनिकल मेथड में क्या होता था कि आधे प्रोटोप्लास्ट तो खत्म हो जा रहते हैं, पूरी क्वालिटी उनकी चले जा रहती है, पूरे मर जा रहते हैं। लेकिन एंजाइमेटिक मेथड में ऐसा नहीं, इसमें अच्छा यील्डिंग भी होगी, मतलब उपज मतलब अच्छा यील्डिंग भी होगा, अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा अच्छी मात्रा में, प्लस साथ में आपका जीवित अवस्था में भी रहेंगे आपके प्रोटोप्लास्ट, वाइबल सेल्स रहते हैं एंड मिनिमल और सो नो डैमेज टू द प्रोटोप्लास्ट। और अगर डैमेज की बात की जाए तो डैमेज या तो बहुत कम रहेगा या तो फिर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये इसी वजह से ही एंजाइमेटिक मेथड को प्रिफर किया जाता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए। अब इसका मेथड कैसे किया जाता है उसे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट में इसमें बताया गया कि प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट इंक्लूड लीव्स, रूट्स, शूट, एपिक्स, फ्रूट्स, एम्ब्रियोज एंड माइक्रोपोर्स। पहला तो हम लोगों को ये देखना है कि एंजाइमेटिक मेथड अगर हम कर रहे हैं तो पहले तो हमको ये देखना है ना कि हम कहाँ से जो है प्रोटोप्लास्ट निकालने वाले हैं, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है, प्लांट के सेल में। तो कौन सा प्लांट, प्लांट का कौन सा हिस्सा हम ले सकते हैं? तो सोर्सेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट में पॉइंट नंबर वन या तो आप क्या ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, एम्ब्रियो ले सकते हैं। ये कुछ कुछ सोर्सेस हैं आपके किसके, प्रोटोप्लास्ट के। प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट करने के, आइसोलेट करने, हम इनसे प्रोटोप्लास्ट जो है आइसोलेट कर सकते हैं। अमॉन्ग दीज द मेसोफिल टिश्यू ऑफ फुल्ली एक्सपांडेड लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स और न्यू शूट्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इन सब में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अगर है एंजाइमेटिक मेथड के लिए, जो सबसे प्रिफरेबल है कि सबसे अच्छा कौन सा रहता है, जैसे हम लोग कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो एक जैसी बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है वो हम चूज करेंगे, है ना। टी शर्ट लेने जा रहे हैं, टी शर्ट सभी एक पैटर्न के कॉलर वाले टी शर्ट है, सभी व्हाइट कलर, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा अच्छा रहेगा, तो आप ब्रांड देखेंगे या तो फिर पैटर्न देखेंगे। तो जस्ट लाइक दैट रहते तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं प्लांट के जिनको हम लोग प्रोटोप्लास्ट जिनसे हम आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए, बेस्ट क्या चीज होती है अगर एंजाइमेटिक मेथड से हमको प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करना है तो उसके लिए जो बेस्ट होता है वो होता है आपका मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू जो तने में पाया जाता है, ये मेसोफिल टिश्यू जो है आपके मेसोफिल टिश्यू ऑफ द फुल्ली, सॉरी तने में नहीं लीव्स में, ऑफ फुल्ली एक्सपांडेड लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स। जब आप लोगों के जो पौधे हैं, पौधा जब छोटा रहता है
तब उसमें जो पत्तियां विकसित होती हैं, पहले तो वो छोटी छोटी रहती हैं पत्तियां, लेकिन जब वो पत्ती अच्छी खासी बड़ी हो जाती है और अच्छी एक्सपांड हो जाती है, मतलब अच्छी साइज में बढ़ जाती है, तो उनमें जो है जो फुल्ली एक्सपांडेड जो लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स के जो टिश्यूज कहलाते हैं, जो यंग प्लांट के ही अच्छे बड़े वाले जो लीव्स होते हैं, जो आपने पौधा अभी भी लगाया है वो थोड़ा सा यंग है, अभी एकदम बड़ा नहीं हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस पौधे को लगे, और उस पौधे में ही अच्छी लीव्स आ रही है, अच्छा आपका जो लीव्स है, जो पत्ते आ रहे हैं वो अच्छे से एक्सपांड हो गए हैं, अच्छे बड़े बड़े साइज में भी दिख रहे हैं और डेवलप्ड हो गए हैं। ऐसे डेवलप्ड वाले एक्सपांडेड लीव्स के जो टिश्यूज होते हैं, मीजोफिल टिश्यू बोलते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट सोर्स होता है, इससे सबसे ज्यादा यूज करके हम लोग प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। इन एडिशन कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर ऑल्सो सर्व एज गुड सोर्स फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। और इसके अलावा अगर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए हम लोग कैलस यूज कर सकते हैं, कैलस सबसे बेस्ट रहता है, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल रहता है वो एक है। तो ये तो सोर्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो गया कि कहां से आप प्रोटोप्लास्ट लेंगे, किस चीज के लिए, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करने के लिए, प्लांट का एक पार्ट लेना पड़ेगा ना, उसके बाद उसमें से हम प्रोटोप्लास्ट निकालेंगे और उसे आइसोलेट करेंगे। तो कौन सा वाला प्रोटोप्लास्ट का जो पार्ट, कौन सा वाला हिस्सा है प्लांट का, कौन सा वाला पार्ट है प्लांट का जिसे हम यूज कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए, उनमें से मैंने आपको बताया अभी। अब हम देखते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइमेटिक मेथड, जो जाहिर सी बात है इसमें एंजाइम्स यूज किए गए होंगे, उत्प्रेरक यूज किए गए होंगे, किस चीज के लिए, प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए। ठीक है, तो फिर कौन से थे एंजाइम्स आपके, एंजाइम्स की अगर बात की जाए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, तो द एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट द सेल वॉल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट। अब आप सब ही अच्छे से जानते हैं कि जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग जो है वो होता है सेल वॉल, ये सेल वॉल है, CW सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल को ही जब हम हटाएंगे तो बाकी का जो हिस्सा बच जाता है वो हमारा प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो हमारा मेन जो टारगेट है जिसको खत्म करना है वो हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल को ही हमको खत्म करना है और हमको अपना प्रोटोप्लास्ट चाहिए, तो उसके लिए हमको सेल वॉल को खत्म करने वाला ही एंजाइम चाहिए होगा, जो सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सके, सेल वॉल को पूरा नष्ट कर सके, ताकि हमको प्रोटोप्लास्ट मिल सके। तो हमको ऐसे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है जो सेल वॉल को पूरा डाइजेस्ट कर सके, कंप्लीटली खत्म कर सके, नष्ट कर सके। ठीक है, अब केमिकली द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जानना है कि आपका जो सेल वॉल है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना है, ये जो सेल वॉल है ये किस चीज से बना है, ताकि उस चीज को हम किस चीज से तोड़ सकते हैं, किस चीज से नष्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सके। तो मेनली जो आपके प्लांट के सेल वॉल रहते हैं वो सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो प्लांट सेल के सेल वॉल जो होते हैं वो केमिकली किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ ही आपके सेल्यूलोज के साथ साथ एक हो गया सेल्यूलोज, दूसरा हो गया हेमी सेल्यूलोज भी होता है। तीसरा होता है पेक्टिन। ये इतनी चीजों से मिलकर आपका क्या बना रहता है, आपका प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है। पादप कोशिका के जो सेल वॉल होती हैं वो इन चीजों से मिलकर बनी होती है, सेल वॉल, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, केमिकली इतनी चीजों से कंपोज होकर क्या बनता है, आपका सेल वॉल। ठीक है, जिसे हमको डिग्रेड करना है, जिसे हमको नष्ट करना है। अब इन्हें नष्ट करना है तो कौन सा एंजाइम ऐसा ले जो इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ जो सेल वॉल है आपका उसे नष्ट कर सके। तो सेलुलोज नाम है आपके मेन कंटेंट का जो सेल वॉल का है, तो सेलुलोज को नष्ट करने के लिए हम सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज, जो सेलुलोज को आपका डिग्रेड करने की सक्षमता रखता है। ये हमारा सेलुलोज जो है, सेलुलेज जो है ये क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं आपका सेलुलेज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन से युक्त आपका जो सेल वॉल है उसे डैमेज करेगा, पूरा खत्म कर देगा। ठीक है,
सेल तो सेलुलेज जो एंजाइम है वो सिर्फ इसको ही खत्म करेगा, लेकिन सेलुलोज को, तो हेमी सेलुलोज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हेमी सेलुलोज को खत्म करने के लिए हेमी सेल्यूलेज एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो सेलुलेज हो गया एक, एक हो गया आपका हेमी सेल्यूलेज, और पेक्टिन को यूज करने के लिए पेक्टिनेज, नाम आसानी से याद हो जाएंगे, उससे मिलते जुलते नाम है। तो 1, 2, 3 ये तीन एंजाइम इन तीन चीजों को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब द डिफरेंट एंजाइम, अब ये जो है अलग 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 डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स है उन्हें यूज किया गया अलग अलग आपके सेल वॉल के कंटेंट को नष्ट करने के लिए, ताकि इन चीजों को, सेलुलोज को, हेमी सेलुलोज को और पेक्टिन को कौन कौन नष्ट कर सके, सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को, हेमी सेलुलेज एंजाइम हेमी सेलुलोज को और पेक्टिनेज एंजाइम पेक्टिन को, और ये तीनों नष्ट होंगे तब क्या नष्ट होगा, आपका जो सेल वॉल है प्लांट सेल का वो नष्ट हो जाएगा, और वो नष्ट हुआ मतलब हमारा काम यहीं पर बहुत आसान, हमको हमारा प्रोटोप्लास्ट मिल गया, सेलुलोज को ही तो नष्ट करना है क्योंकि हमको। ऐसे बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स हैं जो अवेलेबल होते हैं कमर्शियली मार्केट में, साइंटिफिक मार्केट में, कि साइंटिफिकली कि इनको यूज किया जाता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, एंजाइमेटिक मेथड परफॉर्म करने के लिए। यूजुअली एंजाइम्स को यूज करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होता है कि पीएच का, पीएच कितना रहना चाहिए अगर हम एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं, तो जो पीएच है जो यूज करना चाहिए एंजाइम्स को, एंजाइम्स के लिए वो होता है 4.5 से लेकर के, 4.5 से लेकर के आपका 6.0, इतना आपका पीएच रहना चाहिए, मतलब आपका एसिडिक ही है ये, है ना, 7 तक भी नहीं पहुंचा, ना उदासीन है ना आपका क्षारीय है, मतलब ना तो न्यूट्रल है ना तो वो क्या है आपका बेसिक है, ये एसिडिक नेचर में ही जा रहा है। ठीक है, तो आपका 4.5 से लेकर 6.0 तक का आपका पीएच को मेंटेन करना होता है अगर आपको एंजाइम्स को यूज करना है। टेम्परेचर को भी यूज करना होता है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में एंजाइम्स मर जाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो टेम्परेचर आपका कितना रहना चाहिए, आपका जो टेम्परेचर है वो रहना चाहिए आपका 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अराउंड, इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स मर जाएंगे। ठीक है, एंजाइम्स डिसफंक्शनल हो जाएंगे। और ये दो चीजों के साथ एक और चीज भी रख के करनी होती है कि जो ये तीन एंजाइम आप यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी एंजाइम यूज करे सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, तो उसका इंक्यूबेशन का पीरियड होता है कि आप पहले डाल के छोड़ देते हैं एंजाइम्स के सॉल्यूशन में, अब एंजाइम अपना काम कर रहा है, आप पहले निकाल लेंगे तो आधा काम हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा आधा, तो इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इंक्यूबेशन टाइम जो होता है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग बैक्टीरियल कल्चर भी जब करते थे, अभी तक के बैक्टीरियल कल्चर आपने जितने भी बार किया होगा, तो आप लोग जब बैक्टीरियल कल्चर करने के बाद, जो प्रोसेस करने के बाद, जैसे एयर से कर रहे हैं तो एयर में एक्सपोज करने के बाद ढक दिए पेट्री प्लेट को, उसके बाद इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर में डाल देते थे, आप उसको 24 घंटे के लिए छोड़ते थे तो वो इंक्यूबेशन का पीरियड कहलाता है, वैसे ही इसमें भी कुछ देर तक छोड़ना रहता है, तो इंक्यूबेशन का पीरियड बहुत मैटर करता है। इंक्यूबेशन का पीरियड अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग होता है, यूजुअली 1/2 आवर्स मतलब आधे घंटे से लेकर 20 घंटे तक का जो टाइम है वो अलग अलग होता है अलग अलग एंजाइम के लिए, कोई 1 घंटे में असर दिखाता है, कोई आधे घंटे में असर दिखाता है, किसी को 24 घंटे 20 घंटे भी लग जाते हैं, तो 20 घंटे तक के टाइम में ये अपना काम कर लेते हैं, डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं आप। तो ये आपका था एंजाइमेटिक मेथड का मेन, जो मैंने बताया जिस तरीके से करते हैं, लेकिन एंजाइमेटिक मेथड को परफॉर्म करने के लिए दो तरीके होते हैं, इस दो तरीके के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दो तरीके होते हैं, एक होता है टू स्टेप या फिर सिक्वेंशियल मेथड, और एक होता है वन स्टेप या साइमल्टेनियस मेथड। टू स्टेप मेथड क्या होता है इसे देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग वन स्टेप वाला देखेंगे। तो एंजाइमेटिक मेथड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एंजाइमेटिक मेथड कैसे होता है हमने देख लिया, कैसे एंजाइम काम करते हैं, किस पीएच पे काम करते हैं, किस टेम्परेचर पे काम करते हैं,
किस प्रकार से कौन क्या चीज को लेकर हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर सकते हैं, कौन सा पार्ट का प्लांट, कौन से प्लांट का पार्ट ले सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी कौन कौन से मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड अगर हमको करना है तो दो तरीके होते हैं एंजाइमेटिक मेथड करने के, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं। जो पहला मेथड है वो है आपका टू स्टेप और सिक्वेंशियल मेथड। टू स्टेप और सिक्वेंशियल मेथड, ये जो मेथड है इसको देखते हैं, इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है उसे देखते हैं। द टिश्यू इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ पेक्टिनेज मैक्रो एंजाइम टू सेपरेट सेल्स बाय डिग्रेडिंग मिडिल लैमेला। दीज फ्री सेल्स आर देन एक्सपोज टू सेलुलेज टू रिलीज प्रोटोप्लास्ट। पेक्टिनेज ब्रेक्स अप द सेल एग्रीगेट्स इनटू इंडिविजुअल सेल्स while cellulose removes the cell wall proper। अब ये जो इसमें भी अलग अलग एंजाइम्स को यूज किया गया, क्या क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपने प्लांट टिश्यू लिया है जिससे हम लोगों को प्रोटोप्लास्ट को अलग करना है, ये आपका प्लांट टिश्यू हो गया, कोई भी प्लांट टिश्यू, इससे हम लोगों को क्या अलग करना है प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है। अब ये जो प्लांट टिश्यू है उससे हमको प्रोटोप्लास्ट अलग करना है, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू लेंगे। अब इस प्लांट टिश्यू को हम ट्रीट करेंगे किससे, पेक्टिनेज एंजाइम से, हम पेक्टिनेज एंजाइम यूज करेंगे इसके लिए। पेक्टिनेज एंजाइम जो है इससे हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इस आपके प्लांट टिश्यू को, ठीक है। पेक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट करने से क्या होता है, आपके जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज तो सेल्स का झुंड है, कोशिकाओं का झुंड है, पेक्टिनेज से ट्रीट करने से ये पूरे जो हैं सेल्स में बिखर जाते हैं, सेल्स सेल्स सेपरेट हो जाते हैं इसके, ठीक। सेल्स में बिखर गए, सेल्स जो है सेपरेट हो गए किससे, आपके टिश्यू से, डिग्रेड हो गए छोटे छोटे आपके सेल्स पूरे बिखर गए। अब दीज फ्री सेल्स आर देन एक्सपोज्ड टू सेलुलेज। अब इन फ्री सेल्स को ट्रीट किया जाता है किससे, सेलुलेज से, पेक्टिनेज से किया गया प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यू किस में चले गया, फ्री सेल्स में तब्दील हो गया। अब इन फ्री सेल्स को सेलुलेज से ट्रीट किया जा रहा है, सेलुलेज दूसरा एंजाइम है। सेलुलेज से ट्रीट करने पे क्या होता है, ये जो प्लांट सेल्स हैं ये प्रोटोप्लास्ट को रिलीज कर देते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, प्रोटोप्लास्ट को रिलीज करना चालू कर देते हैं, कौन, आपके जो फ्री सेल्स हैं वो, जैसे ही सेलुलेज के साथ इन्हें ट्रीट किया जाता है प्रोटोप्लास्ट जो है वो रिलीज होते हैं। अब पेक्टिनेज ब्रेक्स अप द सेल एग्रीगेट्स इनटू इंडिविजुअल सेल्स व्हाइल सेलुलोज रिमूव द सेल वॉल प्रॉपर। तो एक्चुअल में इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पेक्टिनेज एंजाइम है वो एक्चुअल में प्लांट को, प्लांट का जो टिश्यू है जिसको हमने यूज किया है, जिसके जिससे हम लोगों को प्रोटोप्लास्ट को अलग करना है, उसे वो एक्चुअली क्या कर रहा है, एग्रीगेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। पेक्टिनेज ने ही क्या किया, अलग अलग करके फ्री सेल्स में तब्दील किया, और जो दूसरा काम है, जो मेन काम एक्चुअली कौन कर रहा है, सेलुलेज कर रहा है। ये इन फ्री सेल्स से, जैसे ही हम सेल वॉल सेलुलोज से ट्रीट करते हैं तो सेलुलोज को ये तोड़ता है, और तोड़ने के बाद ये क्या करता है, अलग अलग आपके प्रोटोप्लास्ट को रिलीज करना चालू कर देता है। तो सेलुलेज जैसे ही फ्री सेल से मिला, रिएक्शन किया, तो ये एक्चुअल में सेल वॉल को तोड़ने का काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप हमको ये पूरा क्या प्राप्त हुआ, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुआ। तो एक्चुअल में ब्रेक करने का काम सेल वॉल को कौन कर रहा है, यहां पर सेलुलेज एंजाइम हमारा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये होता है टू स्टेप,
जिसमें पहले स्टेप में क्या किया गया, पेक्टिडेज ने सेल टिश्यूज को सेल्स में, फ्री सेल्स में एग्रीगेट किया, और दूसरे स्टेप में सेल्यूलेज ने सेल वॉल को तोड़कर प्रोटोप्लास्ट रिलीज किया। ये दो स्टेप था, टू स्टेप मेथड है ये आपके एंजाइमेटिक मेथड के अंदर। अब इसका जो दूसरा मेथड है उसे देखते हैं, इसमें ही एक वन स्टेप मेथड भी होता है। जो वन स्टेप मेथड होता है उसका एक्चुअल में बात किया जाए तो इतना लंबा नहीं होता है वो प्रोसेस, ठीक है, इतना लंबा नहीं होगा। इसमें जो पेक्टिनेज एंजाइम है और जो सेलुलेज एंजाइम है, इन दोनों को साथ में यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, पहले प्लांट टिश्यू लेंगे, प्लांट टिश्यू लेने के बाद जो है इन्हें हम पेक्टिनेज और सेलुलेज, ये दोनों एंजाइम से एक साथ ट्रीट करेंगे और फलस्वरूप हम लोगों को क्या मिलेगा, हमारा पूरा प्रोटोप्लास्ट, ये हमारा प्रोटोप्लास्ट मिल गया। तो परिणाम स्वरूप जो है क्या हो रहा है, ये वाला जो मेथड है ये वन स्टेप है, और जो टू स्टेप में दो बार हुआ था, एक बार पेक्टिनेज यूज किए, दूसरे बार में सेलुलेज यूज किए। तो वन स्टेप में एक ही स्टेप होता है, टू स्टेप में दो स्टेप इसलिए बोला जा रहा है, ये सिक्वेंशियल मेथड कहलाता है ना। साथ में नाम याद रखना, टू स्टेप मेथड को सिक्वेंशियल मेथड भी बोलते हैं और वन स्टेप मेथड को आपका साइमल्टेनियस मेथड भी बोलते हैं, साइमल्टेनियस मेथड। और एक और चीज, ये जो पेक्टिनेज एंजाइम है उसका एक और नाम है, उसके लिए हम लोग मैक्रो एंजाइम भी यूज करते हैं, नाम मैक्रो एंजाइम, ठीक है, ये मैक्रो एंजाइम यूज किया जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है पेक्टिनेज का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछ देता है क्योंकि। तो पेक्टिनेज के लिए मैक्रो एंजाइम यूज किया जाता है। तो ये आपका था एंजाइमेटिक मेथड के दो तरीके, जिसमें एक टू स्टेप मेथड होता है और एक वन स्टेप मेथड होता है। टू स्टेप मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम प्लांट टिश्यू लेते हैं, जिसमें से हम लोग को प्रोटोप्लास्ट अलग करना है, उसको पहले हम पेक्टिनेज या फिर माइक्रो एंजाइम जो बोलते हैं उससे हम ट्रीट करते हैं, जिससे वो फ्री सेल्स में पूरे एग्रीगेट हो जाते हैं। अब ये फ्री सेल्स को हम लोग सेलुलेज से ट्रीट करते हैं, सेलुलेज जो है सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है और हमको फाइनली हमारा प्रोटोप्लास्ट जो है वो मिल जाता है। जो वन स्टेप होता है, वन स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लांट टिश्यू है उसको एक बार में ही पेक्टिनेज और सेलुलेज से ट्रीट करते हैं एक साथ ही, और उसके बाद जो है उसके फलस्वरूप हमको हमारा प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है। तो ये हो गया वन स्टेप और टू स्टेप मेथड, जो दो मेथड थे एंजाइमेटिक मेथड के अंतर्गत। ये यहां पर खत्म हुआ। आप लोग का टाइम हो रहा है, मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ इस क्लास को, क्योंकि आगे जो है नेक्स्ट कल्चर और फ्यूजन के बारे में है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अभी जितना क्लियर किया सबको, अभी समझ आया कि नहीं सब बताएंगे? यस मैम।